नमस्कार दर्शकों, मैं हूं यशवर्धन उमक। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सितारों के राज में। हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर ऐश्वर्या। सभी को नमस्कार। ऐश्वर्या जी से आज हम जानेंगे मेष से लेकर मीन तक की राशियों का हाल, और दर्शकों साथ ही हम कार्यक्रम के अंत में जानेंगे क्या है आज का यानी मंगलवार का महाप्रयोग। और यदि आप अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या के निदान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप पर भी अपने कुंडली के बारे में बता सकते हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, जिनसे हम विजेता दर्शकों की कुंडली का अध्ययन अपने कार्यक्रम में करेंगे। तो चलिए दर्शकों, अब बारी आती है राशिफल के चक्र में। मेष से लेकर मीन तक की राशि में सबसे पहले बात करते हैं आज हम मेष राशि के बारे में। तो ऐश्वर्या जी, शुरुआत करिए आप मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए आज जो है वो पैसों को भूमि संबंधी चीज में निवेश किया हुआ अगर है तो वहां से आपको लाभ मिलने के संकेत है। उच्च रक्तचाप की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो और परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और सही समय पर भोजन करें। ऐश्वर्या जी, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो वृषभ राशि वालों को आज धन लाभ होने की संभावना है, स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखें क्योंकि उनको भी उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है, बाहर का भोजन खाने से बचे। जी, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज जो साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज का दिन आप दोनों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत है, जिस कारण घर में वातावरण जो है खुशियों के भरा रहेगा। जी, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो। जी प्रणाम, क्या नाम लिखते हैं आप? जी केवल जी। केवल जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 15/2/92 15/2/1992। और जन्म कहाँ हुआ है केवल जी आपका? मेरा जन्म ग्राम सालेखुर्द। अच्छा, कौन से जिले में आता है ये? धमदा ब्लॉक, जिला दुर्ग। धमदा ब्लॉक, जिला दुर्ग। अच्छा, और जन्म का समय क्या है केवल जी आपके? 2:30 PM 2:30 PM। जी केवल जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा, जनवरी में। अच्छा, 25 तारीख को। जी, तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी नई नई शादी हुई है। और ऐश्वर्या जी ये पूछना चाह रहे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी, तो केवल जी आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की बनती है और मिथुन राशि भी बनती है। आपकी जो लग्न की जो दशा है वो सही तो चल रही है, लग्न जो है उसका जो ग्रह है परंतु वो अस्त अवस्था में आके आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, परंतु उसके पास उनके पास जो है वो मजबूती नहीं है, उनको पावर देने की जरूरत है। तो आप गणेश जी की उपासना कीजिए, ओम गंगणपते मंत्र का जाप कीजिए बुधवार बुधवार के दिन, और आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें व्यवधान ना आए इस हेतु आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी प्रदान किया कीजिए, मतलब उनको खिलाया कीजिए, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। और राहु से संबंधित भी उपाय करने की जरूरत है आपको, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जब आप और आपकी पत्नी दोनों कीजिए शनिवार शनिवार के दिन, इससे भी आपको वैवाहिक जीवन में कोई व्यवधान नहीं आएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, आपकी पत्नी ज्ञानी भी है, ऐसा आपकी कुंडली से ऐसा लग भी रहा है। केवल जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे? नहीं, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। जी, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आपको ऐसे अवसर कई प्राप्त होने वाले हैं जो शुभ फल देने वाले हैं, इसीलिए इसका लाभ उठाने से आप ना चुके, किसी अपने के द्वारा बहुत ही सहायता आपकी की जाएगी जो आपको आनंदित करेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। जी, सिंह राशि वालों को आज माता पिता की ओर से कोई उपहार मिल सकता है, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का आप कार्यक्रम भी बना सकते हैं, संतान से भी आपको सुख प्राप्त होगा तथा वे भी आपके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए आज जो है संयुक्त परिवार में रहने वालों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा, घर में मस्ती का माहौल रहेगा तथा कोई फंक्शन भी आयोजित हो सकता है, आज के दिन ज्यादातर समय आप परिवार वालों के साथ व्यतीत करें। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। जी, तुला राशि वाले जातकों के लिए आज जो है आर्थिक क्षेत्र में आपको नुकसान होने की संभावना है, लेकिन यह ज्यादा नहीं होगा, आज के दिन आय व्यय में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, मित्र की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश राठौर। हरीश राठौर, हरीश जी क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 17/11/1976। जी हरीश जी, आपकी जन्म का समय क्या है? 8:10 सुबह, शाम? शाम को। शाम को 8:10। और आपके जन्म का स्थान क्या है हरीश जी? खर्चा पुरानी बस्ती। ये कहाँ पे आता है, कौन से जिले? रायगढ़ जिला में। ओके, अच्छा रायगढ़ जिला में है। और 8:32 आपका जन्म का समय शाम का है ना, और रायगढ़ जिले में आपका जन्म हुआ है। जी हरीश जी, क्या आपका प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? अच्छा आपका काम को हाथ डाल रहा हूँ तो काम नहीं हो रहा है, आगे पीछे होता चला जा रहा है। अच्छा, तो ऐश्वर्य जी इनके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं 2 महीने से, ऐसा हरीश राठौर जी का कहना है, तो बताइए जी। आपके हरीश जी मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, और कर्म स्थान के जो मालिक बनते हैं वो आपके गुरु बनते हैं, तो गुरु जो है वह स्थान में बैठे हुए हैं। ये कुंडली में आपके जो होते हैं जो ग्रह बैठा है वो परमानेंट है, तो इसका आपको परमानेंट उपाय करने की जरूरत है। तो आप भी ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा गुरुवार के दिन से, और पीली चीजों का दान कीजिएगा गाय को, तो इससे है आपके जो व्यय है वो रुकेगा, लाभ होगा आपको, और व्यापार में या फिर जो भी आप नौकरी व्यापार कर रहे हैं उसमें जो भी यदि बाधाएं कुछ आ रही है तो उसका निवारण हो जाएगा। तो ये आप जरूर कीजिएगा, और गुरुवार को मंदिर भी जाने की कोशिश कीजिएगा, और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना कीजिएगा जी। और कोई परेशानी या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं हरीश जी आप? जी किस चीज का व्यवसाय करते हैं आप? अच्छा, प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का आप करते हैं तो उसको आपको मंगल ग्रह भी आपके अस्त हैं, तो आप अधिकतर जो है लाल कपड़े पहनने की कोशिश कीजिया करिए, और जो है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से आपको करने की आवश्यकता है, इससे आपको जो है उसमें सफलता मिलेगी जी। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में जी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसके कारण आप मानसिक थकान का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आपको विश्राम करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा मानसिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए उचित नहीं होगा जी। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में जी। धनु राशि वाले कुछ दिनों से की गई कड़ी मेहनत आपको आज अच्छा परिणाम दे सकती है, रचनात्मकता में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी, तथा अध्यापकों के द्वारा भी आपको प्रशंसा की जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वाले आज किसानों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा, कहीं से आपको अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा या बैंक से लाभ मिल सकता है, अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें और किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें जी। तो ऐश्वर्य जी अब समय हो गया एक व्हाट्सएप के द्वारा जो हमें मैसेज आते हैं उनको देखने का, तो हम जिस कुंडली के बारे में भी बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उनका जन्म हुआ है 9/10/1992, और उनके जन्म का स्थान है राजनांदगांव, और जन्म हुआ है 9:32 शाम को। इनका सवाल करियर से रिलेटेड है कि करियर कैसा रहेगा इनका, और क्या होता अभी उनको उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इनकी भी जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और वृषभ राशि बनती है, चंद्रमा जो है इनके वह भाव में बैठे हुए हैं, और जो करियर का जो कारक ग्रह है वो है इनका गुरु, और गुरु पंचम स्थान में बैठा हुआ है, और अपने जो शत्रु ग्रह के घर में बैठा हुआ है शुक्र के घर में जी। और वो सूर्य के साथ है जो कि इनके लिए पॉजिटिव है, पर वहाँ पे बहुत सारे ग्रह बकरी होकर के बैठे हुए हैं, शुक्र भी वहाँ बैठे हुए साथ में, बुध भी बैठे हुए हैं, राहु भी बैठे हुए, सूर्य और गुरु सभी ग्रह एक साथ ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस वजह से इनको दिक्कत आ रही है जी। तो इनको जो है एक नवग्रह स्त्रोत आता है, वो सभी ग्रहों को सुधारता है नवग्रह जी। तो इनको ये पाठ करें, और गुरुवार को मंदिर जाएं,
पीली चीजों का ये भी दान करें, इनको तब भी सफलता मिलेगी। सूर्य देवता को विशेष तौर से ये जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें, तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालकर, लाल चंदन डालकर ये सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो इनका करियर जो है वो अच्छा हो सकता है। ऐश्वर्या जी, अब हम अगले जो व्हाट्सएप मैसेज आया उसको लेंगे। ये एक बच्ची है, इनका नाम है राधिका, और राधिका की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17/8/2014, यानी कि अगस्त का महीना है, और नवंबर है, 17/9/2014। इनका जन्म स्थान भिलाई है और इनका जन्म हुआ है 7:40 शाम को। इनकी क्या समस्या है? तो अभी बच्ची छोटी है इनकी, और ये अपनी बच्ची की कुंडली भेजी है इन्होंने, तो जानना चाह रहे हैं कि कैसा भविष्य रहेगा। और भविष्य कैसा है? जी, भविष्य तो इनका उज्जवल है, इनकी बच्ची का भविष्य उज्जवल है, काफी अपने करियर में अच्छा कुछ करेंगी और धन लाभ की भी इनको आगे संभावना बनती दिखाई दे रही है। अपनी बच्ची से यह भी जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का डेली जो है मंत्र जप कराएं, इनसे इनको मानसिक शांति भी मिलती रहेगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा जी। और क्या, अभी तो खैर छोटी है तो क्या करना चाहिए वो ये भी जानना चाह रही थी कि किस दिशा में इसको हम भेज सकते हैं करियर को लेकर के। टीचिंग लाइन में काफी अच्छा इनका दिख रहा है, टीचिंग लाइन में इनको जाना चाहिए जी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए आज आपका आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो आपके अपने काम सुचारू रूप से चलाने के लिए नई प्रेरणा देगी। यदि कोई बात कुछ दिनों से आपको परेशान कर रही है तो उससे लड़ने की इच्छा शक्ति जागृत होगी जी। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। आज आपको अपने पार्टनर पर बहुत प्यार आएगा, उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे दोनों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी, वे भी आपको अच्छे से समझेंगे जी। चलिए ऐश्वर्य जी, अब बारी है आज का यानी मंगलवार का महाप्रयोग जानने की, तो बताइए आज का क्या है महाप्रयोग जी। मंगलवार का महाप्रयोग की बात करते हैं तो बजरंग बली का नाम लेते ही सारे संकट कट जाते हैं। आज श्री हनुमान जी की पूजा का शुभ दिन मंगलवार है। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सब मंगल ही मंगल होता है। आज के दिन से अर्थात 21 मंगलवार तक यदि कोई जातक बजरंग बली की साधना करते समय एक पान के पत्ते में थोड़ा सा गुड़ व चना रखकर अर्पित करता है, इस उपाय को करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और आपके जीवन में मिठास ही मिठास होने लगता है। इंडियन न्यूज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।